सैमी ज़ेन ने दी रोमन रेंस को धमकी, बोला एलिमिनेशन चैम्बर में ट्राइबल चीफ का खेल खत्म करके बनूंगा नया अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज स्मैकडाउन में अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अपने कंधों पर लिए पॉल हैमन एंट्री मारकर बोले कि जब से ब्रॉक लेसनर और मैंने अंडरटेकर की रसलमीनिया स्ट्रीक तोड़ी, तब से मैं प्रेडिक्शन नहीं सिर्फ स्पॉयलर्स देता हूँ, और आज मैं बहुत सारे स्पॉयलर्स दूंगा। तो पहला स्पॉयलर ये है कि वो पागल कबूतर सैमी ज़ेन स्मैकडाउन में मौजूद नहीं है। अब सैमी जैसा बंदा रोमन को चैलेंज करेगा? जरा सोचो, सैमी ज़ेन वो भी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, हलवा है क्या बे? और फिर वो सफेद चूहा कॉडी रोड्स, कोई समझाओ इन लोगों को कि जो टाइटल्स ब्लड लाइन के पास है वो मामूली रेसलिंग चैंपियनशिप नहीं है, बल्कि ये ब्लड लाइन की नसों में बहने वाला रक्त रस है। ये टाइटल्स वो जनजाति है जिसके अध्यक्ष, जिसके चीफ रोमन रेंस है। इनके बिना ना तो आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी है, ना पॉल हैमन, ना ब्लड लाइन, और ना ही रोमन रेंस। इतने में पीछे से सबको सरप्राइज करते हुए सैमी ज़ेन आ गए और उन्होंने पॉल हैमन से माइक लेकर कहा कि परेशान मत हो डोरेमोन, घबरा मत और पसीना पहुंच ले, मैं तुझे मारूंगा नहीं, अगर मैं चाहूं तो अभी तेरा कीमा बना डालूं, आज तो तुझे यहां कोई बचाने वाला भी नहीं है। ब्लडलाइन चाहती तो मुझ पर एक महीने पहले ही हमला कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ब्लडलाइन के सारे मेंबर्स ये जानते हैं कि रोमन अपने रास्ते से भटक चुका है, उसका अंत नजदीक है। फिर सैमी बोले कि मैंने ब्लडलाइन को छोड़ दिया, जैने भी ब्लडलाइन से दूरी बना ली, अब तू क्या सोचता है डोरेमोन, आगे जिमी क्या करेगा? वो गालियां देने वाले रोमन के साथ रहेगा या अपने सगे भाई जय का साथ देगा? सोलो सिगोवा का भी कोई भरोसा नहीं, और पॉल हैमन जरा सोच, बिना टाइटल्स के रोमन रेंस की जिंदगी कैसी होगी? तू और ये सब लोग जानते हैं कि रोमन WWE से जाने वाला है। डोरेमोन, स्पॉइलर देने का बहुत शौक है ना तुझे, तो सुन, अब मैं एक स्पॉइलर देता हूँ। रोमन के पास अब बस 8 दिन बचे। पॉल हैमन माइक उठाकर कुछ कहते, इतने में सैमी ने उन्हें खींचकर अपनी बाहों में भर लिया, जैसे डोरेमोन उनकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड हो। हैमन से चिपक कर सैमी बोले, कह देना रोमन को कि उसे कॉडी रोड्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं एलिमिनेशन चैम्बर में उसका खेल खत्म करूंगा। तो इस तरह से सैमी ज़ेन ने ट्राइबल चीफ को धमकी देकर ये बात कही कि वो एलिमिनेशन चैम्बर में रोमन को हराकर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे और ट्राइबल चीफ से उनके टाइटल्स छीन लेंगे। लेकिन क्या आपके हिसाब से सैमी ज़ेन रोमन रेंस को हरा पाएंगे? कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।